हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको भुवनेश्वर से अमृतसर वाघा बॉर्डर लेकर घुमाने जाना हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही एंटरटेनमेंट आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जाने के लिए आपको 2122 किलोमीटर भुवनेश्वर से अमृतसर स्टेशन गिरता है, और देखा जाए तो आप वहाँ से एयरपोर्ट भी है, यहाँ से आप अमृतसर एयरपोर्ट आकर वहाँ से आपको 15 किलोमीटर गिरेगा लगभग। वहाँ से स्टेशन के पास ही अच्छी होटल है, वहाँ पे रह सकते हैं। और स्टेशन से आपका वाघा बॉर्डर 35 किलोमीटर गिरता है, तो वहाँ पे आपका आधा घंटा रास्ता लगता है जाने के पास। अगर होटल भी बहुत अच्छी होटल मिलती है, 500 से लेकर 2500 लेकर बहुत अच्छी होटल मिलती है, एसी नॉन एसी, आप अपने हिसाब से देखते रहिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर होटल ढाबा रास्ते पे है, ये बहुत अच्छी होटल है, यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, यहाँ से खा के और आप निकल सकते हैं वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर आपको शाम 5:30 से 7:30 तक उसका टाइमिंग है, और 363 दिन आपको परेड देखने को मिलेगी, और 2 दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को टाइम टेबल थोड़ा चेंज कर होता है। तो फ्रेंड्स, देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही शानदार वीडियो, इंडिया पाकिस्तान की परेड है, और ऐसा परेड शायद वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा, और बेस्ट से बेस्ट परेड है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, कहीं मत जाएगा दोस्तों, और पूरा फैंटेस्टिक, बहुत ही लाजवाब है फ्रेंड्स, आप देखिए दिल खुश हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, 1 दिसंबर 1965 को BSF द्वारा स्थापित की गई थी और वाघा बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान का जो है, इसके बारे में तफसील से जानते हैं विस्तार पूर्वक, और वीडियो लास्ट तक देखिए और सभी जानने को आपको मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और पैरेड इसके बाद शुरू होगा और ये जानते हैं तफसील से। सरहदों पर अटूट दीवार स्वरूप तैनात BSF के जवानों के अडिग एवं चट्टानी इरादों को सलाम करता हुआ प्रतीत होता है। 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना हुई और भारतीय सीमाओं को एक ऐसा प्रहरी प्राप्त हुआ जिसकी सदैव चौकन्ना निगाहों ने भारतीय सीमाओं को अभेद दीवार में परिवर्तित कर दिया है। इतिहास गवाह है कि BSF के जवानों ने दुश्मनों के हर नापाक इरादे को चकनाचूर करने में सदैव सफलता प्राप्त की। कश्मीर की बर्फी एवं निश्चुर सर्दियों से राजस्थान की तपती मरुस्थल और रण के दलदल तक, पूर्व में सुंदरबन के मैंग्रोव जंगलों से मिजोरम त्रिपुरा की दुर्गम पहाड़ियों तक BSF के जवानों के हौसले कभी भी पस्त नहीं हुए। आज विश्व की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स BSF पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ पड़ने वाली लगभग 7,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी भारतीय सरहदों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इन सरहदों पर आने वाली हरेक चुनौती का सामना BSF के जवानों ने अत्यंत वीरतापूर्वक किया है। हमने सरहदों के वीरान अंधेरे अपने लघु के चिरागों से रोशन किए हैं। यही जॉइंट चेक पोस्ट अटारी भी BSF के जवानों के शौर्य एवं वीरता की खामोश गवाह है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद ये JCP अमृतसर लाहौर मार्ग पर बॉर्डर पिलर नंबर 102 के नजदीक स्थापित की गई। भारत से गांव अटारी महाराजा रणजीत सिंह की सेना के जनरल श्याम सिंह अटारी की जागीर का एक हिस्सा था। वाघा इसी JCP से सटा एक पाकिस्तानी गांव है। स्वतंत्रता के पश्चात इस चेक पोस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 11 अक्टूबर 1947 को 50 के दशक के मध्य में इसकी सुरक्षा एवं निगरानी की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस को सौंपी गई। वर्तमान स्वरूप में होने वाली रिट्रीट सेरेमनी को सबसे पहले सन 1952 में आरंभ किया गया था। इसमें सूर्यास्त के समय भारत एवं पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वजों को ससम्मान उतारने का समारोह आयोजित किया जाता है। 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना के बाद से आज तक इस समारोह को आयोजित करने का गौरव BSF को प्राप्त है। ड्रम की आवाज पर परेड करते BSF के जवानों के सजे हुए कदम, आत्मविश्वास से चौड़ी छाती और उनकी उत्साह से भरी भंगिमा भारतीय गर्व की परिचायक है और हमें इतिहास में गुंजायमान शब्द याद दिलाती है।
युद्ध के नगाड़े बज उठे हैं। रणबांकुरों ने अपने युद्ध क्षेत्र का चयन कर लिया है और शत्रु का सामना करने का समय आ गया है। तो आइए अपने देश के कोने कोने से आए देशवासी एवं विदेशी मेहमानों सहित अब हम सब अपने प्यारे देश भारत की आम बाम शाम से पूर्ण परेड बीटिंग द रिट्रीट देखते हैं।
25 मिनट के इस आयोजन में भारतीय बीएसएफ के जवान एवं पाकिस्तान रेंजर के जवान एक ही समय में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान उतारते हैं और आज के इस मैच का नेतृत्व कर रहे हैं। आज के इस मैच पर दो महिला प्रेरियों का विशेष योगदान है, महिला प्रेरी रीता एवं महिला प्रेरी सीता। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बैठ कर ही आज के इस शानदार परेड का आनंद उठाएं। दर्शक, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद एवं वंदे मातरम के अतिरिक्त किसी भी अन्य नारे का प्रयोग ना करें। साथ ही आप सभी दर्शकों से निवेदन है जब तक रिट्रीट चलने वाले परेड समाप्त ना हो कृपया अपने स्थान पर ही बने रहे, अपने स्थान पर ही बैठे रहे। परेड समाप्ति के उपरांत स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए कृपया स्टेडियम के मुख्य द्वार छंजंती द्वार जो स्टेडियम को बन निर्मित एग्जिट द्वार का
Oh!
दर्शक अभी ध्यान दे, आप सभी दर्शकों से निवेदन है, राष्ट्रीय ध्वज उतारते समय ध्वज के सम्मान में इन पे अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। शांति दौरान शांति बना रखे तथा किसी भी नारे आदि का प्रयोग ना करें। जो दर्शक मंदिर है उनसे निवेदन है कृपया राष्ट्रीय ध्वज को सलूट दें। अब आप मेरे साथ तीन बार हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो आप देखने मिलेगा नहीं जिंदगी में, लास्ट टाइम देख लो, आ तो सको नहीं आओ। देखो इंडिया पाकिस्तान फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो कोई भी कमेंट्स हो आप प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, आपको जवाब जरूर मिलेगा।